मूवी के शुरू में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जो कि हजारों साल पहले का है। ये वो वक्त था जब धरती पर अभी भी डायनासोर रहा करते थे। यहीं हम कुछ आदिवासी लोगों को देखते हैं जो खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि एक एस्ट्रॉइड इस वक्त धरती की ओर बढ़ रहा है। जब तक उनकी नज़र उस पर पड़ती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस एस्ट्रॉइड के टकराने से वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। इस इवेंट ने सभी डायनासोर्स का अंत कर दिया था, पर किस्मत से कुछ आदिवासी लोग इससे बच निकलते हैं। वो वहाँ बने उस क्रेटर को देखते हैं जिसका कोर दिखने में किसी फुटबॉल के जैसा था। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर एस्ट्रॉइड का कोर बहुत गर्म था जिससे उनके हाथ जलने लगे थे। वो उसे चेक करने के लिए अपने पैरों का यूज करते हैं और देखते ही देखते ये खेल में बदल जाता है। तो इस तरह जन्म हुआ फुटबॉल की गेम का, जो उन प्री हिस्टोरिक लोगों ने अपनी ड्राइंग में भी दर्शाया था। अगला सीन कुछ सदियों बाद का है जहाँ वो क्रेटर अब एक हरी भरी वैली में बदल चुका है। यही हम डग नाम के एक केव मैन को भी देखते हैं जो अपने पिग हॉग नॉब के साथ खाना इकट्ठा कर रहा है। तभी उन्हें एक मैमथ की आवाज़ सुनाई देती है और डग ये बात अपने क्लैन के लीडर बॉब को बताने जाता है ताकि वो लोग जंगल में शिकार करने जा सके। पता चलता है कि केवमैन उसी क्रेटर में रहते हैं जहाँ वो एस्ट्रॉइड आकर गिरा था और इसके बाहर की दुनिया अभी भी एक वेस्टलैंड की तरह है। वहीं डग बॉब से कहता है कि अब उन लोगों को बड़े जानवरों का शिकार करना चाहिए जैसे कि एक मैमथ, क्योंकि रैबिट्स के सहारे उनका गुजारा नहीं चलने वाला। इस पर बॉब उसे वो प्राचीन ड्राइंग्स दिखाता है कि हमारे पूर्वज भी हमेशा छोटे जानवरों का शिकार करते थे और वैसे भी उनके क्लैन के लोग एकदम अनाड़ी हैं जो कि एक मैमथ का सामना नहीं कर सकते। ये कहकर बॉब उन्हें कुछ वेपन्स देता है और अपनी प्रेयर करके वो हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में घुसते ही उन्हें एक रैबिट नजर आता है जिसे पकड़ने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वो कामयाब हो जाते हैं और वापस कबीले में आकर खुशी मनाने लगते हैं। पर डग इन सब से बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि वो अभी भी रैबिट की बजाय मैमथ का शिकार करना चाहता था। तभी हॉग नॉब को एक आहट सुनाई देती है और बॉब सबको शांत होने को बोलता है। फिर चेक करने के लिए वो एक पत्थर फेंकता है जिससे ऐसी आवाज आती है जैसे कि वो किसी मेटल से जा टकराया हो। बॉब डरकर अपनी स्टिक निकालता है पर तभी एक तीर लगने से वो उसके हाथ से छूट जाती है। इसके बाद वहाँ तीरों की बारिश होने लगती है और वो देखते हैं कि सामने से एक मैमथ उन्हीं की ओर आ रहा है जिसके पूरे शरीर पर मेटल आर्मर है। वो सब लोग डरकर भागने लगते हैं क्योंकि मैमथ ने वहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। तभी डग देखता है कि उसका पिग उस मैमथ के सामने खड़ा है और उसे बचाने के चक्कर में वो दोनों पीछे रह जाते हैं। बॉब को लगता है कि डग शायद इस अटैक में नहीं बच पाया और वो बाकी केवमैन्स को लेकर वेस्टलैंड की ओर निकल जाता है। उधर डग छुपकर उन अटैकर्स को देखता है जिनका लीडर है नूत नाम का एक इंसान। ये लोग पास ही के एक डेवलप्ड टाउन से हैं जिन्होंने मेटल को प्रोसेस करना सीख लिया था और उसे ही माइन करने वो इस वैली में आए हैं। डग गुस्से में उस पर अटैक करने की सोचता है लेकिन एक मेटल बॉल से टकराकर वहाँ खड़ी एक बग्गी में जा गिरता है और वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। आँख खुलने पर वो किसी तरह बग्गी से बाहर आता है और देखता है कि बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। डग ने आज तक मेटल से बनी किसी चीज को नहीं देखा था, इसीलिए वो यहाँ मिलने वाली आइटम्स को देखकर बहुत हैरान होता है। आगे उसकी मुलाकात गुना नाम की लड़की से होती है जिसकी उस टाउन में बर्तन की दुकान थी और उसे डग की हरकतें बहुत अजीब लगती हैं। अचानक सोल्जर से एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसे सुनकर सभी लोग स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं। डग भी उन लोगों के पीछे जाता है लेकिन देखता है कि अंदर जाने के लिए उसे पैसे देने होंगे जो कि उसके पास नहीं थे। गार्ड्स उसका पीछा करते हैं लेकिन वो किसी तरह उनसे बचता हुआ एक कमरे में चला जाता है और भेष बदलने के लिए वहाँ रखे कपड़े पहन लेता है। तभी वो कुछ दूसरे लोगों को देखता है जिन्होंने उसी के जैसे कपड़े पहने हुए थे और पता चलता है कि ये इस टाउन की फुटबॉल टीम है और जो कपड़े डग ने पहने हैं वो असल में उनके गोलकीपर के कपड़े थे, इसीलिए वो लोग उसे अपना प्लेयर समझकर अपने साथ ले जाते हैं। जल्द ही वो लोग एरिना में आते हैं जहाँ एक दूसरे टाउन की टीम के साथ उनका मैच होने वाला है और नूत के इशारा करते ही गेम शुरू हो जाती है। डग को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि उसने ऐसा गेम पहले कभी नहीं देखा था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी टीम उसे जबरदस्ती गोलकीपर बना देती है। डग को फुटबॉल के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और इसीलिए गलती से वो अपना ही गोल कर देता है। कैप्टन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और तभी वो अपने असली गोलकीपर को देखते हैं जो डग पर उसकी ड्रेस चोरी करने का इल्जाम लगाता है। डग की पोल अब खुल चुकी थी कि वो कोई प्लेयर नहीं बल्कि एक केवमैन है। नूत कहता है कि इस सेक्रेड ग्राउंड में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम जैसे लोग इस जगह पैर नहीं रख सकते।
इस पर डक कहता है कि ग्राउंड तो तुमने हमारा चुराया है, जिसे हम अपना घर मानते हैं। पर नूत उसकी एक नहीं सुनता और अपने गार्ड से उसे एग्जीक्यूट करने को बोलता है। अचानक डक को एक तरकीब सूझती है और वो नूत को चैलेंज देता है कि हम लोग तुम्हारी टीम के साथ एक फुटबॉल मैच खेलना चाहते हैं और अगर हम जीत गए तो तुम्हें हमारी वैली और ट्राइब के लोगों से दूर रहना होगा। पहले तो नूत को इस वाहियात चैलेंज पर बहुत हंसी आती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि लोग इस मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे और इससे वो ढेर सारा पैसा कमा सकता है। ये सोचकर वो इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि हमारा मैच आने वाली फुल मून नाइट को होगा। उधर कबीले के लोग अपने इलाके को माइन होते हुए देखते हैं, जिसके आसपास नूत ने एक फेंस लगा दी थी और वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तभी होगनोब किसी को आते हुए देखता है और पता चलता है कि ये तो उनका साथी डग है, जिसे जिंदा देखकर वो बहुत खुश होते हैं। डग अपने साथ एक फुटबॉल भी लेकर आया था और अपने लोगों को इस गेम और नूत की शर्त के बारे में बताता है कि अपनी वैली को वापस पाने के लिए यही एक तरीका है, पर अगर वो हार गए तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए नूत की माइंस में काम करना होगा। बॉब को ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि खेलना तो दूर, उन लोगों ने इस गेम के बारे में कभी सुना तक नहीं था। इस पर डक कहता है कि ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ये गेम हमारे पूर्वजों ने इन्वेंट की थी और उन पेंटिंग्स में भी वो शिकार की बजाय फुटबॉल ही खेल रहे हैं। ये देखकर उन सब में जोश आ गया था और बॉब भी उनकी बात मान जाता है। जैसे तैसे करके वो एक ग्राउंड बनाते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम था उन्हें इस गेम के बारे में समझाना। डग उन पर बहुत मेहनत करता है और धीरे धीरे वो इस गेम को सीखने लगते हैं। होगनोब भी इस टीम का एक पार्ट बनना चाहता था, लेकिन डग हर बार उसे मना कर देता है कि ये गेम सिर्फ इंसानों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ हम नूत को देखते हैं, जो प्लान कर रहा था कि कैसे वो इस मैच से ढेर सारा पैसा कमा सकता है। तभी एक बर्ड उनकी क्वीन का मैसेज लेकर आता है, जो कि टाउन से बाहर गई हुई थी, और पता चलता है कि वो इस मैच को लेकर नूत से बहुत नाराज है। उसे डर है कि अगर वो हार गए तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि लोग उन्हें एक सुपीरियर क्लैन मानते हैं। पर नूत को इसकी कोई फिक्र नहीं थी, वो जानता था कि उसकी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो जंगली लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। अगली सुबह डग अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और इसी दौरान एक जायंट डग वहां आती है, जो अचानक से उन पर अटैक करने लगी थी। वो सब उससे बचकर भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में उनकी फुटबॉल फट जाती है। डग ये देखकर उदास हो गया था, पर बॉब उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उनसे नहीं जीत पाएंगे और वैसे भी अब प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कोई बॉल नहीं है। लेकिन डग हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और होगनोब के साथ टाउन से बॉल चुराने जाता है। किसी तरह वो लोग स्टेडियम में आते हैं, जहाँ पैर फिसलने से डग नीचे गिर जाता है। नूत ने भी इसकी आवाज सुन ली थी, लेकिन होगनोब उसे उलझाकर उसका ध्यान भटका देता है। उधर डग को स्टेडियम में गुना दिखाई देती है, जो छुपकर फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि नूत को लड़कियों का फुटबॉल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। गुना भी उसे देख लेती है और तब डग उसे अपने आने का कारण बताता है। गुना जानती थी कि उन लोगों पर अत्याचार हो रहा है और यही सोचकर वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। फिर वो डग को स्टोर रूम से पोल निकाल कर देती है, लेकिन एक मिनिस्टर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। सोल्जर्स उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागते हैं, पर गुना की फुटबॉल स्किल्स के आगे नहीं टिक पाते और डग समझ जाता है कि वो एक बहुत अच्छी प्लेयर है। इससे उसे एक आइडिया आता है और वो लोग किसी तरह बॉल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह डग अपने दोस्तों को गुना से मिलवाता है कि ये हमारी नई प्लेयर है और यही हमें इस गेम की प्रैक्टिस भी करवाएगी। गुना देखती है कि उन्हें फुटबॉल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और इस तरह वो टाउन की टीम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब कि उन्हें शुरू से ट्रेन करना होगा। सबसे पहले वो उन्हें दूसरी टीम के बारे में बताती है कि वैसे तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक टीम की तरह मिलकर कभी नहीं खेलते और यही उनके सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर वो उनकी ट्रेनिंग शुरू करती है और साथ ही प्लान बनाती है कि कैसे वो सामने वाली टीम को टैकल कर सकते हैं। वो लोग अपने लिए एक ड्रेस भी डिजाइन करते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्हें अब मजा आने लगा है। इधर नूत को पता चलता है कि डग के पूर्वज ही थे जिन्होंने इस गेम की खोज की थी और वो इस बात को राज रखने को बोलता है। तभी उसके लोग आकर बताते हैं कि केव में हमें कुछ और ड्राइंग्स मिली हैं और हमने उनकी एक कॉपी तैयार की है। नूत को इससे एक आइडिया आता है और वो डग को किडनैप करवा लेता है। आगे डग की आंख उस केव में खुलती है, जहाँ नूत ने अपने लोगों से कुछ नकली पेंटिंग्स बनवाई हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि उनके पूर्वज अपने हर गेम हारते थे। नूत कहता है कि तुम्हारी ट्राइब शुरू से ही एक लूजर थी और इसी वजह से आखिर में उन्होंने इसे खेलना ही छोड़ दिया।
वो डक को एक डील ऑफर करता है और कहता है कि इसका फैसला तुम्हें जल्दी लेना होगा, वरना माइन तुम्हारे ट्राइब का वेट कर रही है। डग इमेजिन करता है कि कैसे उसके लोग माइन में सफर कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार वही होने वाला है। तभी वो होगनोप को देखता है जो उसे यहाँ से वापस ले जाने आया है, लेकिन डग ने अपना डिसीजन ले लिया था और वो अपनी ट्राइब को बचाने निकल पड़ता है। उसके जाते ही होगनोप बॉब को लेकर आता है जो उन पेंटिंग्स को देखकर समझ गया था कि नू डग के इमोशंस का फायदा उठाने वाला है। अगला दिन मैच का दिन था जहाँ स्टेडियम में पब्लिक की भीड़ लगी हुई थी और पता चलता है कि क्वीन भी टाउन में वापस आ चुकी है। फिर वो लोग डग को बाहर लाते हैं जो कहता है कि हम ये गेम छोड़ रहे हैं और वैली पर भी हमारा कोई हक नहीं होगा। असल में यही उनकी डील थी और इसके बदले नूत उसकी ट्राइब को अकेला छोड़ देगा और डग अकेला ही माइन में काम करने जाएगा। क्वीन और बाकी लोग इस बात से बहुत निराश होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर ऊपर की ओर जाती है जहाँ केव मैन उस जायंट डक पर बैठकर स्टेडियम की ओर आ रहे हैं और जल्दी ही वहाँ लैंड कर जाते हैं। बॉब डक को समझाता है कि वो पेंटिंग हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती और आज हम यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। डक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो नूत की टीम को फिर से चैलेंज करता है। जल्दी ही मैच शुरू हो जाता है जहाँ नूत की टीम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स थी और इसका फायदा उठाकर केवमैन अपना पहला गोल कर लेते हैं, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि जल्दी ही वो दो गोल से पीछे हो जाते हैं। मैच का हाफ टाइम अब पूरा हो चुका था और डग अपनी टीम से और मेहनत करने को बोलता है। गुना उन्हें अपनी ट्रेनिंग याद दिलाती है और देखते ही देखते वो स्कोर को बराबरी पर ले आते हैं। नूत को लगता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा और वो रेफरी को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। उसके सारे डिसीजन रूल के खिलाफ जाने लगते हैं और इसी वजह से बॉब जो उनका गोल कीपर था घायल हो जाता है। यहाँ भी नूत केवमैन की गलती बताकर अपनी टीम को एक पेनल्टी शॉट देता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि केवमैन के पास अब कोई गोलकीपर नहीं था और टाइम भी लगभग खत्म होने वाला था। तभी वो सब होगनोप को देखते हैं जो एक गोलकीपर की ड्रेस में उनकी मदद करने आया है और किसी तरह उस पेनल्टी शॉट को रोक लेता है। बॉल तेजी से ऊपर की ओर जाती है जहाँ सामने वाली टीम उसे हिट करने वाली थी, पर डग उनसे पहले ही बॉल तक पहुँच जाता है और वो लोग फाइनल गोल करने में कामयाब हो जाते हैं। असली रेफरी आकर उन्हें विनर घोषित करता है और इस तरह केवमैन अपनी वैली को बचा लेते हैं। क्वीन भी उनसे बहुत इम्प्रेस थी और कहती है कि आगे से तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तभी वो नूत को देखते हैं जो पैसा लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जायंट डक उसे पकड़ लेती है और स्टेडियम में पैसों की बारिश होने लगती है। क्वीन डक को उनकी विनिंग ट्रॉफी देती है और उसे लेकर वो वापस वैली में आ जाते हैं। एंड सीन में हम उन सभी को शिकार पर जाते हुए देखते हैं जहाँ एक रैबिट उन्हें मैमथ बनकर डरा देता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।